हेलो गाइज, वेलकम टू माय चैनल पीसीएस कुमार। तो भाई लोग कैसे हो? भाई आप लोगों से रिक्वेस्ट है, जिन्होंने हमारा डिस्कॉर्ड सर्वर ज्वाइन नहीं किया वो जल्दी से जाकर ज्वाइन कर ले, लिंक डिस्क्रिप्शन में। वहाँ हम गेमर्स से चैट करते रहते हैं और आप लोग भी हमें वो वीडियो का सजेशन देते रहते हैं, तो आप जल्दी से जाकर ज्वाइन हो जाएँ। और अगर आप लोगों में से कोई चाहता है हमारा क्लब ज्वाइन होना तो ज्वाइन कर सकते हैं, उसका क्लब टैग और लिंक डिस्क्रिप्शन में है, तो आप इजीली ज्वाइन हो सकते हैं। अभी ज़्यादा मेंबर्स नहीं है, तो आज हम 1600 राउंड का स्कोर स्टोन सर्वाइव दिए रहना मीटियोर सोवर में पुश करेंगे। तो इस मैप में बहुत अच्छा पुशिंग हो जाता है लो रेंज ब्रोलर, मतलब कि लॉन्ग रेंज ब्रोलर का। तो मैंने आज ही सुबह को पुश किया इससे लगभग 100 ट्रॉफी बो से कुनाल किंग वाले आईडी में। तो मेरे सामने एक बॉक्सेस है जहाँ एक ईएल प्रीमो आ रहा है और ये मर जाएगा, तो एक भी बॉक्स नहीं मिला मुझे, तो इसे मैं मार सकता हूँ। तो इसे मैंने मार दिया और एक और बॉक्स मिल जाएगा हमें सामने, एक मार के बॉक्स मिला और एक बॉक्स को तोड़ के। तो सामने सैली है, ग्रासेस को आप चेक करते रहें क्योंकि बहुत ज़्यादा बंदे इसमें छिप के पुश करते हैं। तो यहाँ इस सैली को थोड़ा अच्छा खासा डैमेज तो पड़ रहा है, पर ये बच जाएगी क्योंकि मीटियोर्स आ गए तो उसे मार देगा। पर ये स्टोन के पीछे छिप गई है वॉल के पीछे, जिसके कारण इसे डैमेज नहीं पड़ेगा। तो सामने अभी यहीं छिपी थी, तो मेरा तो एबिलिटी चार्ज हो जा रहा है और मुझे फ़ायदा ही होगा। तो ये मर जाए एक बार बस, और एक और बॉक्स हमें मिल गया एनर्जी क्यूब। तो अभी 6 ब्रोलर लेफ्ट हैं, तो देखते हैं हम कितना देर में 25 ट्रॉफी पुश करते हैं। और आज का एम है 700 का, तो 700 करके हम देखते हैं कितना जल्दी हो जाए। अगर हम जितना बार #1 आएंगे उतना बार में हमारे लिए अच्छा रहेगा। तो इधर तो एक सैली है और सामने से ईएल प्रीमो आ रहा था, तो ईएल प्रीमो ग्रासेस में छिपा हो सकता है, तो इसे थोड़ा बच के रहना पड़ेगा। और 5 ब्रोलर अभी लेफ्ट हैं, तो ये मैक्स लेवल का ईएल प्रीमो है, स्टार पावर वाला, तो देख सकते हैं इसका। तो इधर भी एक ईएल प्रीमो था, तो अंदर ग्रासेस में छिप गया है और उससे बच के रहना पड़ेगा हमें। तो यहाँ भी एक और मैक्स लेवल का ईएल प्रीमो है अंदर में भी, और सामने दो कोई का फाइटिंग हुआ जिसमें ये सैली ने फ़ायदा उठाएगी। तो इस सैली ने फ़ायदा उठाया और हमारा #2 रहा और +6 ट्रॉफी के साथ। तो हमें और चाहिए कितना जानते हैं, 19 ट्रॉफी। तो हम देखते हैं और कितना मैच में हम #2 और #1 करते हैं। #1 कर जाते हैं अगर ये सैली एबिलिटी यूज नहीं करती तो। अभी 10 प्लेयर फाउंड होने में टाइम लग रहा है क्योंकि अभी ज़्यादा प्लेयर ऑनलाइन नहीं होंगे। और मैं बैक करके स्टार्ट कर लेता हूँ, फिर से प्ले अगेन कर दिया मैंने, तो 1 प्लेयर फाउंड हुए हैं जो मैं ही हूँ एक। तो मेरा नेट कनेक्शन तो ठीक है पर ये थोड़ा लेट लग रहा है, अभी नहीं पता क्यों, थोड़ा इसे क्वालिटी ऑफ लाइफ इम्प्रूवमेंट चेंज करना पड़ेगा। कभी कभी फास्ट फार्म हो जाता है और कभी कभी स्लो, तो ये कुछ ज़्यादा ही लेट हो रहा है। तो वेट करते हैं जब तक फाउंड नहीं हो जाए। 2 प्लेयर फाउंड हुए हैं और 6 हो गए, 10 होना है बस, 9 एक और हो जाए बस, 10 हो गया। और हम ज़्यादा से ज़्यादा एनर्जी क्यूब लेंगे, तो उससे डिपेंड करता है कि कितना बॉक्स सामने है, और विनिंग का भी उसी पर है, जिसके पास ज़्यादा एनर्जी क्यूब रहेगा वही जीत सकता है। अगर लक साथ दे तो दूसरा कोई भी जीत जाता है, पर बहुत कम ही होता है इस तरह। तो ये लोग दोनों फाइट करेंगे, मुझे फ़ायदा होगा, तो मैंने बोला था ना मुझे फ़ायदा होगा। दो लोग फाइट करते तो तीसरा ही उसका फ़ायदा उठा पाता है। तो अभी हमें 3 एनर्जी क्यूब मिला है, एक और इधर सामने था, ये रहा ये वाला ग्रास, इसमें हमेशा देख लेना चाहिए क्योंकि जब ग्रास से बंदे निकल के मार देते तो बहुत ख़राब लगता है और माइनस भी हो जाता है। तो
तो सेवन ब्रॉलर अभी लेफ्ट है, तो दो ब्रॉलर को मैंने मार दिया है, मतलब लाइफ कम था। एक बार्ली नाम से एक बार्ली आया है तो उसे मैंने मार दिया, पर एक और बंदे को मैंने मार दिया है और उसका भी फायदा कोई तीसरा ही लेगा। तो मेरा लाइफ बहुत कम था तो इसीलिए मैंने सामने नहीं गया, तो कोई बात नहीं। अभी थ्री ब्रॉलर लेफ्ट हैं और हैशटैग वन हमें करना है ट्रॉफी के साथ, तो इसमें भी हमें फ़ायदा होने वाला है। और ये एबिलिटी मेरे ऊपर पूरा एक्यूरेट यूज किया तो हैशटैग टू कर गए, कोई बात नहीं होता है। तो हमें और कितना ट्रॉफी चाहिए हम एक बार बैक जाकर देख लेते हैं, और हमें 13 ट्रॉफी और चाहिए तो हम लाइव पुशिंग करेंगे अच्छा अटैक करके, तो देखते हैं कितना जल्दी होता है हमारा ट्रॉफी पुश। ये मेरा सेकेंड आईडी है दोस्तों, मैंने फर्स्ट आईडी में बहुत से पुश किया था और इसमें बहुत तो खुला नहीं है, तो अभी तो गोल्ड से ही पुश करना पड़ेगा क्योंकि एक ही लॉन्ग रेंज रोलर है अभी हमारे पास। इसमें सामने एक बुल है, बुल मेरे से नहीं पंगा लिया, बुल फोर में जा रहा है और सामने हमें तीन बॉक्सेस मिल जाएगा। अगर कोई टीम अप करता है तो आप संभाल के करिएगा क्योंकि उसमें बहुत ज़्यादा धोखेबाजी होता है, मेरे साथ भी बहुत बार हुआ है, माइनस भी होता है और बहुत ज़्यादा प्लस भी हुआ है। मैंने क्रो के साथ बहुत ज़्यादा टीम अप किया था, मतलब कि क्रो जब लेता था तब तो उसमें एक बार ही सिर्फ धोखेबाजी हुआ था पर हर बार प्लस हो गया था, जिसके कारण आज मेरा बहुत ज़्यादा सुबह को मैंने बोला ना बहुत ज़्यादा पुश हुआ है। तो इधर एक नीता आ रही है, नीता को अच्छा खासा डैमेज नहीं पड़ रहा है, तो ये मुझे लग रहा माइनस हो जाएगा। नहीं, माइनस कैसे हो जाएगा, नीता हमें मार सकती है, एबिलिटी पूरा एकदम एक्यूरेट जिसके कारण नीता मर गई। तो अभी 5 रोलर लेफ्ट हैं और देखते हैं कितना रैंक में आते हैं। तो सामने ग्रासेस बहुत ज़्यादा नहीं है, फिर भी ग्रासेस को आप देख लीजिए क्योंकि ग्रासेस से बंदे बोले ना मार देते तो बहुत ख़राब लगता है, फील होता है, तो आपका मिस मैप भी ख़राब होता होगा। तो इस मैप में रैंक 4 कर गए मैंने, ईएल प्रीमो से अगर भीड़ा नहीं होता तो अच्छा खासा हो जाता। तो फिर से प्ले अगेन कर दिया है, मुझे आज का एम है 700 ट्रॉफी और मैं जल्द ही पुश कर लूँगा, वो दो मैचेस में मुझे पुश करना है, देखते हैं होता है या नहीं। तो 3 मेंबर फाउंड हुए हैं और 10 फाउंड होना है, यानी कि 7 और वेट करना पड़ेगा थोड़ा, देखते हैं कैसा मैच होता है, गेम प्ले आगे का। तो 8 मेंबर फाउंड हुए हैं, 9 एक और हो जाओ जल्दी से, 10 हो गया और हम एनर्जी क्यूब्स ले लेंगे सामने वाला, जैसा कि आपको पता है। तो इधर से एक मेंबर आ रहा है, तो मैंने एबिलिटी उस पर सीट चला गया वो, तो मुझे वो नहीं मरा, मेरे से वो नहीं मरा, पर कोई बात नहीं, मेरा एबिलिटी भी गया और एक एनर्जी क्यूब फ्री का तो मिल गया, यही चाहिए था। तो ये बुल सामने है, उसको वो चला गया, बुल तो मुझे इजी मार सकता है क्योंकि अगर यहाँ लेने आता है एनर्जी क्यूब तो, पर नूब हैं तो वो नहीं मार पाएंगे। मैं कोई प्रो नहीं हूँ, मैं भी नूब ही हूँ, पर थोड़ा संभाल के खेलता हूँ। यहाँ एक बुल है, बुल को मैंने भगा दिया है, उससे एबिलिटी चार्ज हो जाए, यहाँ कुछ छिपा हुआ था। तो इधर एक एल प्रीमो है, एल प्रीमो को शॉट्स देना पड़ेगा, एल प्रीमो सोच रहा होगा मैं तो इसे इजीली मार दूंगा, तो ये एल प्रीमो गया और मेरे पास 4 एनर्जी क्यूब हो गए हैं, और देखते हैं हम कितना बंदे को मारते हैं। घर तो फाइटिंग चल रहा है, तो ये गया,
तो मुझे यहाँ एबिलिटी यूज नहीं करना चाहिए, बुल है, तो इससे हम थोड़ा टीम अप करते हैं क्योंकि शॉर्ट रेंज है, मतलब थ्रोवर है वो, सैली से नहीं मैं इसका बात कर रहा हूँ, सैली गई तो मैंने अपना एबिलिटी वेस्ट कर दिया। तो मेरा लाइफ तो बहुत कम है, इल प्रीमो चाहेगा तो इजली मार देगा सटाके, तो देखना है क्या होता है। तो इस मैप में हैशटैग #1 नाइस गाइज, तो देखते हैं +7 ट्रॉफी और एक बार और मिल जाए +7 तो हो जाएगा मेरा आज का एम कंप्लीट। +6 भी मिलेगा तो हो जाएगा, पर +7 चाहिए हमें, अच्छा ट्रॉफी चाहिए कैसे भी हाल में। तो मैच स्टार्ट हो गया है और मैंने बोला ना जिसके पास ज़्यादा एनर्जी क्यूब रहेगा उसी पर मैच डिपेंड है, हारेगा या जीतेगा। तो ये नहीं डिपेंड करता कि आपका ब्रॉलर कितना लेवल का है, पर आपको थोड़ा अच्छा से खेलना होगा बस, और आपको एनर्जी क्यूब लेना है ज़्यादा से ज़्यादा, तो आप जीत सकते हैं मैच इजीली #1 के साथ। #1 नहीं तो #2 में भी एक कम ट्रॉफी मिलता है, पर ट्रॉफी तो अच्छा खासा मिल जाता है। मेरा कोल्ड का ट्रॉफी इसमें बहुत ज़्यादा हो गया है, आप देख सकते हैं 300 कुछ, मतलब कि 400 के लगभग में, तो मैंने कोल्ड से ही बहुत ज़्यादा पुश किया है इस मैप में, मतलब बहुत सारे मैप है तो मैंने कोल्ड से बहुत ज़्यादा पुशिंग किया है। तो एक और कोल्ड को मैंने मार दिया, तो सामने एक बुल है, बुल भी गया, बुल को भी मारूंगा, बुल एबिलिटी भी यूज करेगा फिर भी नहीं बच सकता क्योंकि दोनों साइड से कोल्ड हैं। इसके ऊपर एबिलिटी वेस्ट कर दिया मैंने झूठ का, क्या कर सकते हैं और कुछ भी नहीं, एनर्जी मतलब कि हेल्थ लो था और ये सोच रहा था मार देगा, कुछ भी हो सकता है गाइस, मैं थोड़ा संभाल के खेलना खेलना चाहिए बस। तो इसे थोड़ा डैमेज तो पड़ रहा है, उसका एक भी शॉट मुझे नहीं लगा तो वो अपने छोड़ दिया मुझे मारना। तो इस बार भी एबिलिटी वेस्ट, तो इसे एल प्रीमो मार देता तो ठीक रहता, तो गया ये। और एल प्रीमो कहाँ है, एल प्रीमो भाईजान आजा, एल प्रीमो, तो देख सकते हैं ये एल प्रीमो मुझे मारने खोज रहा है, मार भी सकता है अगर सामने से आए, तो एबिलिटी तो वेस्ट हो चला गया। तो इस मैप में भी #1 और देखते हैं हमें आज का एम कंप्लीट हो गया ना, देखते हैं हम पैक करके और हमें देखते हैं क्या मिलता है। 15 ट्रॉफी तो हमें गोल्ड मिलेगा थोड़ा, तो वो ठीक है 50 गोल्ड। और आज के लिए इतना दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन पर भी प्रेस कर दीजिएगा, और अगर आप हमारा क्लब ज्वाइन होना चाहते हैं तो ज्वाइन कर लीजिए।